भोपाल और इंदौर को जल्द ही मिलने वाली मेट्रो सौगात की, जिससे आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर जो लोग सफ़र करने वाले हैं भोपाल और इंदौर के, उनकी जो राह है वो कितना आसान हो जाएगी, कितनी सहूलियत इस मेट्रो के चलने से उन्हें होगी, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन इसमें सबसे अजीब ये भी है कि बड़े शहरों और ऐतिहासिक स्थलों से भरपूर मध्य प्रदेश में अब तक कहीं मेट्रो की सुविधा नहीं है। बहरहाल, मोहन यादव की सरकार ने मेट्रो से जुड़े प्रोजेक्ट्स में न सिर्फ अब तेजी लाई है, बल्कि इंदौर से उज्जैन के बीच अब 160 किलोमीटर की जो रफ्तार वाली सुपर स्पीड वंदे भारत मेट्रो है, उसका ऐलान कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स इस पर क्या सोचते हैं, लोगों की इस पर क्या राय है, आज हम बात इसी पर करेंगे। आप भी अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। तो भोपाल और इंदौर को मेट्रो की सौगात जल्द ही मिलने वाली है, इसको लेकर भोपाल के लोगों की क्या राय है, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर फिलहाल इंतजार कर रही हैं कि जल्द से जल्द जो ये शहर हैं, इनके जो प्रोजेक्ट हैं मेट्रो के, वो पूरे हो जाएं। राजधानी भोपाल और इंदौर में मेट्रो का काम 2018-19 में शुरू हुआ था और दावा किया गया था कि 2023 तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन आप मेरे पीछे देखते हैं कि ये मेट्रो है राजधानी भोपाल की, इसका स्टेशन है, पूरा काम अभी फिलहाल नहीं हुआ है। कई जगहों पर गर्डर बिछाए जा रहे हैं, कई जगहों पर ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और जो दावा किया गया था वो दावा पूरा नहीं हुआ है। लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनको मेट्रो मिल पाए, वो मेट्रो में सफ़र कर सकें, उनका जो सफ़र है वो भी थोड़ा जो है सस्ते में हो जाए, क्योंकि बड़े शहरों में जिस तरह से मेट्रो चलती है, मध्य प्रदेश के एक भी शहर में मेट्रो नहीं है। और यहाँ पर हम जो है वो लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहूँगी, मेट्रो का प्रोजेक्ट अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है, उम्मीद है पूरा होगा? हाँ, होगा, पूरा तो होगा, कंप्लीट किया है तो पूरा तो करना जरूरी है। अच्छा, हाँ, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया, बहुत सालों का इंतजार हो गया, पर होगा, ये तो एक काम चल रहा है। आपको लगातार मेट्रो दिखा रहे हैं सर, मेट्रो का प्रोजेक्ट काफी लंबित हो चुका है, इंतजार सालों से किया जा रहा है, क्या लगता है पूरा हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ले रहे हैं, इसके कारण सभी को परेशानियाँ ज्यादा हो रही है। हर कहीं बैरिकेडिंग लगा के रखे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है कि ट्रैफिक की यहाँ पर, कैसे उसको सही करना चाहिए क्या? कुछ फायदा होगा जब मेट्रो शुरू होती है, क्योंकि रोजाना सुबह देखिए इतना जाम लगा हुआ है, बसेस भरी हुई हैं। ऑब्वियसली होगा, हाँ। और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे हम लोगों के लिए इजी होगा, स्टूडेंट्स के लिए इजी होगा, और ऐसे एजेंट्स लोग जो कि अभी परेशानी जैसे बस में है, उन लोगों को बीमारियाँ या परेशानी होती है, एम्स तक जाना होता है लोगों को, उसमें परेशानी होती है कि उन्हें सांस की प्रॉब्लम है, किसी और प्रॉब्लम है, अब इतने रश के अंदर वो बैठ जाएंगे तो फिर कैसे हैंडल होगा? वक्त तो लगता है थोड़ा। 2023 तक कंप्लीट होना था, 24 हो गया है, मुझे लगता है 3 साल और लग सकते हैं। आपको लगता है थोड़ा जल्दी होना चाहिए, क्या फ़ायदा है? जल्दी होने से जो है ना, थोड़ा भीड़ कम हो जाता है। हाँ, जनसंख्या बढ़ रही है। आप लोगों को फ़ायदा होगा मेट्रो से? मेट्रो से तो फायदा होने वाला ही है। अच्छा, अभी नहीं होगा तो आगे तो जरूर होगा। अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सही? लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल, देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं, जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, वो अक्सर जो है या तो ई रिक्शा जो है उसमें सफ़र करते हैं, या फिर ये जो BCLL की बसेज हैं। लेकिन स्टूडेंट्स और जो तमाम जो लोग हैं राजधानी भोपाल के, उनका यही कहना है कि मेट्रो जल्द से जल्द बन जानी चाहिए। हम बातचीत भी करते हैं, सर लगता है मेट्रो जल्दी हो जाएगा पूरा, कितना समय और लगेगा? कम से कम किस स्पीड से चल रहा है मेट्रो, 3 साल लग जाएगा। स्पीड तो बड़ी धीमी है मेट्रो की। नहीं, स्पीड तो पहले के मुकाबले बढ़ी है, जब से सालों में बहुत धीमा काम। हाँ, शुरू के सालों में इतना तेजी से काम नहीं हुआ था, लेकिन जब से ये डॉक्टर मोहन जी की सरकार आई है तब से कुछ तेजी आई है। अच्छा, आपको लगता है कि जब ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तो भोपाल की तस्वीर किस तरह से बदलेगी? भोपाल की तस्वीर तो बहुत बदल जाएगी, क्योंकि भोपाल वैसे ही जो है लेक सिटी है, और ये इतना खूबसूरत है पर्यटन के लिए भी। उसके बाद क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगा, जो हमारा समय खर्च होता है जाम में, जाम बहुत हो जाता है क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से, ट्रैफिक इतना है, तो मेट्रो जब आ जाएगी तो उससे काफ़ी आसानी होगी। अच्छा, लेकिन जल्दी हो जाना? लेकिन हाँ, बहुत जल्दी हो जाए तो, जितना हो चुका है उतना अगर चालू कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको लगता है अगले चुनाव से पहले हो जाए? हाँ, अगले चुनाव से तो पहले हो ही जाए।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि आपको हमने ये वाली बात इसलिए कही है कि यहाँ पर जो है जब 2023 में चुनाव होने थे तो उसके पहले एक ट्रायल रन की शुरुआत जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी, लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उन्होंने दावा किया है कि जल्द से जल्द मेट्रो के काम को, चाहे वो इंदौर हो या भोपाल हो या फिर उज्जैन इंदौर के बीच में जो है सिंहस के पहले हो, वो पूरा हो जाएगा। चुनाव भी उसी वक्त हैं, सिंहस भी लगभग उसी वक्त पड़ रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि मेट्रो का काम कितनी जल्दी पूरा होता है। वो अलसे कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो सवाल यही, इतने वक्त से शुरू हो, इतने साल हो चुके हैं इसको शुरू हुए और अब ये पूरा कब होगा, इंतजार और कितना करना पड़ेगा लोगों को, इसी पर बात करने के लिए और क्या दिक्कतें क्या चुनौतियां इसको पूरा होने में आ रही, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ये खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रेमपाल शर्मा हैं, पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड से। हमारे साथ प्रोफेसर राहुल तिवारी हैं, भोपाल सुयश कुलश्रेष्ठ हैं, टाउन प्लानर हैं, धवनी यादव हैं, टूरिज्म एक्सपर्ट हैं। तो मेरा पहला सवाल सीधे सीधे प्रेमपाल शर्मा जी से है। प्रेमपाल जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। जो दिक्कतें इसमें आ रही हैं, आपको क्या लगता है क्यों इतना लंबा ये खिंच रहा है, जो वक्त है, इंतजार है लोगों का, वो क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है, चुनौतियां क्या है? पहले तो आपको धन्यवाद कि ऐसे लोक कल्याणकारी मुद्दे को आपने फोकस किया है। मैं अपनी बात शुरू करूं तो विल पावर की कमी है। इतनी बड़ी जनसंख्या, हम दुनिया में, हम 1947 तक एक विकसित देशों में शामिल होना चाहती हैं, आपको पता है, हमारे और भी बड़े टारगेट्स हैं, ट्रिलियन इकोनॉमी से लेकर बहुत कुछ, लेकिन जमीन पर हमें इनको आने के लिए सरकार को अपनी दृढ़ शक्ति सामने लानी होगी। मैं कहूंगा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी तेजी से काम हुआ है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में उतनी स्पीड से नहीं हुआ। मैं ये कहूंगा कि 10 साल में जी। हमारे रेलवे के जो बाकी ट्रैक हैं, रिन्यूअल हैं, पुल हैं, उसमें जोड़ा गया है। मेट्रो में भी एक शुरुआत हुई है और दिल्ली का मॉडल हम सब के सामने है। मैं थोड़ा व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मैं 1996, जिसको 96 दुनिया समझती है, बड़ौदा की पोस्टिंग पर गया। तब तक मैं दिल्ली में था और दिल्ली में लगभग दम घुटने लगा था। आपको याद होगा मिस्टर मेहता और CNG शुरुआत हुई जी। मेट्रो पर अचानक फोकस हुआ कि दिल्ली जो राजधानी है उसका क्या होगा। आज दिल्ली में करीब 400 किलोमीटर तक मेट्रो फैल चुकी है और उसने दिल्ली को लगभग जीने लायक बना दिया, दुनिया की कैपिटल। आपने देखा होगा G20 हुई, उसकी धमक और सारी, उसी के मॉडल को शायद इस समय देश के 30 मेट्रो में शुरुआत हो चुकी है। आपको पता होगा, ऑपरेशन में जनता के लिए बता दूं कि लगभग सभी मेट्रोज में शुरुआत हो चुकी है, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, बंगलोर। फिलहाल मैं बंगलोर से बोल रहा हूँ। मैं फिर से अपनी टिप्पणी कर दूं कि बंगलोर जैसा शहर जिसने IT के बूते पर यह मुकाम हासिल किया है और IT के बूते ही इस समय वो जिंदा है, वरना बंगलोर की सड़कें शायद देश की सबसे कम स्पीड वाली सड़कें हैं, 10 किलोमीटर से कम की आती है। तो देश को अगर बचाना है, जैसे दिल्ली को बचाया गया है, बंगलोर को भी। अच्छी खबर है कि बंगलोर में भी पिछले दिनों इस पर फोकस किया है। अगर ये बात दूर तक जाती है तो हमें सभी शहरों पर, मैं बात मध्य प्रदेश की करता हूँ कि अगर है ये है तो हमें ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि सिंहस्थ होगा या कोई और होगा या ये धर्म की और उन चीज़ों से जोड़ने की चीज़, ये जनता की जरूरत है। मैं आपको अपनी अंतिम टिप्पणी, पॉल्यूशन का सबसे बचाव होता है, एक्सीडेंट कम होते हैं, लोग समय पर पहुंचते हैं, समय पर पहुंचेंगे तो इफिशिएंसी बढ़ेगी। जब ये सारे कारण हैं तो हम क्यों चुप हैं? हमें जनता को सड़कों पे आने की जरूरत है कि इसे 28 तक नहीं, इसे अगले 1-2 साल में पूरा कीजिए। बिल्कुल। और प्रेमपाल जी, अंतिम टिप्पणी नहीं, अभी आपसे आगे भी मैं सवाल पूछूंगी, अभी तो शुरुआत बिल्कुल, की है। राहुल जी के पास मैं जा रही हूँ। राहुल जी, जिस तरीके से भोपाल के लोगों की हम बात सुन रहे थे, काम शुरू हुए बहुत वक्त हो चुका है, सवाल यही कि कब पूरा होगा। क्या आपको लगता है, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि जल्दी काम पूरा होना चाहिए क्योंकि दिक्कतें बहुत हो रही हैं, जगह जगह जाम लगता है, कहीं पे भी एकदम से रास्ता डाइवर्ट कर दिया जाता है। अभी प्रेमपाल जी जब बता रहे थे तो दिल्ली का एग्जाम्पल वो ले रहे थे, क्योंकि दिल्ली में जब मेट्रो का जब प्लानिंग होती थी, मेट्रो का जब काम निर्माण कार्य होता था, इस तरीके से प्लानिंग दिल्ली में की गई थी कि ट्रैफिक को लेकर अगर बात की जाए तो कोई ट्रैफिक पर असर नहीं पड़ा जाता था, इस तहत
प्लानिंग की जाती थी कि रास्तों को डाइवर्ट, रूट को डाइवर्ट भी कर दिया जाता था और लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो क्या आप ये मानते हैं कि भोपाल में इसको लेकर प्लानिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढील रही या उतना तरीके से काम नहीं किया गया? ज्योति मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जी। मेट्रो प्रोजेक्ट केवल एक प्रोजेक्ट नहीं है, एक सिस्टम्स का प्रोजेक्ट है। इसमें कई सारी एजेंसियां मिलकर काम करती हैं और भारत सरकार की भी अपेक्षा है कि जिस शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन हो वहां यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का निर्माण हो, वहां गठन हो। भोपाल में अभी एक बड़ी दुविधा का मतलब विषय है कि हमारे यहाँ पर अभी UMTA नाम की कोई संस्था अभी नहीं है जी। जो कि प्रोजेक्ट के एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करे। जब प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें जो डिलेज होते हैं वो बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सभी विभागों को, सभी एजेंसियों को इकट्ठा करके उनके लिए UMTA बनाया जाए जिसके मार्गदर्शन में सभी एजेंसियां काम करें तो क्रियान्वयन में स्पीड अप हो जाएगा, क्रियान्वयन और समय अपने को कम लगेगा। अपन आए दिन देखते हैं कि सड़क की ऊंचाई नहीं समझ पाए, हमने इतने पे ढाल दिया, वो मेट्रो का कॉरिडोर फ्लाईओवर के बगल से निकल रहा है, जगह नहीं है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन इश्यूज और ये प्रोजेक्ट को डिले करने का एक बहुत बड़ा कारण है। प्रोजेक्ट में जो डिलेज होते हैं इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। शासन ने पैसे इकट्ठे करके दे दिए और भारत सरकार ने भी अपनी कंपनी में हिस्सेदारी ले ली, पैसे जारी कर दिए, लेकिन हम काम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। सो फॉर दैट आई थिंक UMTA इज द राइट थिंग। हमें अमटा का गठन अब मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहरों के लिए करना चाहिए जिसके अम्ब्रेला के अंतर्गत सारे विभाग, जैसे अब जैसे मेट्रो चलेगी तो मेट्रो केवल अकेले नहीं चलेगी, उसके संग में बसेस भी होनी चाहिए जो कि फीडर के तौर पे काम करेंगी, ऑटोज होने चाहिए, मैजिक्स होने चाहिए, पब्लिक बाइसाइकिल शेयरिंग का सिस्टम होना चाहिए, पैदल चलने लायक साइड वॉक्स होने चाहिए। ऐसा थोड़े कि हम मेट्रो से उतर के हम सागर में गोते लगाएंगे, हमें तो वहां से अपने गंतव्य तक जाना है। तो हमें बाकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें आइसोलेटेड प्रोजेक्ट को नहीं देखना है और उसके लिए अमटा बहुत जरूरी है। मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर आपके माध्यम से मेरी बात पहुंचे तो अमटा का गठन मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहरों के लिए त्वरित तौर पर करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम मुद्दों को उन्हीं को उठाते हैं राहुल जी, और ताकि उसके ज़रिए जो भी उससे संबंधित अधिकारी हैं, लोग हैं, वहाँ तक वो आवाज़ पहुँच सके, जहाँ कोई कमी है उसको सुना जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। धवनी यादव, आप से मैं ये जानना चाहूँगी, टूरिज्म एक्सपर्ट आप हैं, हम बात इस पर तो कर ही रहे हैं कि देरी क्यों हो रही है और इस देरी को जल्द से जल्द कैसे मंजिल तक पहुँचाया जा सकता है। अगर क्योंकि देखिए जब ये बनेगी तो ढेर सारे इसके फायदे भी हैं, अगर हम वो टूरिज्म से जुड़ी हुई बात करें, आगे लोगों के जो सफ़र है वो काफ़ी सहूलियत भरा हो जाएगा, फाइनेंशियली तौर पर प्रदेश को इसका जो फायदा है वो होगा, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? धवनी जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? धवनी के, धवनी जी आप मुझे सुन पा रही हैं? धवनी के पास मैं फिर से लौटूंगी। सुयश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार सुयश जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से बातचीत हो रही है इसको लेकर, हम बात लगातार कर रहे हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है, अभी बात ये भी उठी थी कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में जो एजेंसीज होती हैं, कोऑर्डिनेशन में कमी होती है जिसके चलते इस तरीके की देरी होती है, क्या आप भी ये मानते हैं? बिल्कुल सही बात है, राहुल जी ने बिल्कुल सही बात कही है। भोपाल के साथ ये परेशानी है जी कि यहाँ पर लगभग विकास कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगभग 16 स्थानीय और प्रदेश स्तर की और सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थाएं काम करती है, मगर उन संस्थाओं में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को रोज यहाँ पर भोपाल में परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उसी का प्रतिफल है कि 2014 में जब ये मेट्रो का DPR अंतिम रूप दिया गया था, तब ये माना गया था कि लगभग 2018 या 20 में मेट्रो में हम लोग सफर कर सकते हैं, मगर किसी कारण से अभी तक लगभग 35% के करीब कार्य पूर्ण हुआ है। इसमें कई परेशानियां हैं जो प्रशासनिक रूप से, जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है, जो क्लियरेंस है, कई जगह अतिक्रमण है, तो निश्चित रूप से इसमें
सभी विभागों का समन्वय बहुत आवश्यक है। और जैसे मेरे पूर्व वक्ता श्री प्रेमपाल शर्मा जी ने कहा था कि इसकी वजह से भोपाल का विकास में बढ़ोतरी होगी, निश्चित रूप से वर्तमान परिवेश में यह देखा जा रहा है कि लगभग कुछ विगत वर्षों में भोपाल का कोई ऐसा गॉडफादर राजनीतिक स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर नहीं है जो भोपाल के बारे में सोचा। आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी इंदौर और उज्जैन के बारे में अधिक बात सोचते हैं और उसके बारे में डिक्लेयर करते हैं, मगर भोपाल के बारे में भी उन्हें सोचना चाहिए कि भोपाल एक बहुउद्देशीय शहर है। यहाँ पर बहुत अच्छा टूरिज्म है, बहुत अच्छा यहाँ पे एजुकेशन व्यवस्था है, प्रशासनिक केंद्र है, यहाँ पर अलग अलग विभागों के सभी विभागों के हेड ऑफिसेज हैं, तो निश्चित रूप से मेट्रो की आने से सभी को फायदा होगा। और यहाँ पर भोपाल मास्टर प्लान में कुछ संशोधन भी किए गए हैं जिसकी वजह से उसके आसपास मेट्रो के आसपास जो भूखंड है, भवन है, उनमें अतिरिक्त एफआईआर की व्यवस्था की है। अधिकांश लोगों ने उसके बारे में अपना काम शुरू भी कर दिया है, पर चूंकि ये लेट हो रहा है, इसके पीछे जो प्रशासनिक कमियां हैं उसके लिए निश्चित रूप से यही बात है कि सभी विभागों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, समन्वय नहीं है, और कोई ना कोई राजनीतिक ऐसा व्यक्तित्व जो इस भोपाल की मेट्रो के बारे में सोचे। नहीं तो 2014 में डीपीआर बना, 2018 में बना था, फिर कहा 2023 में हो जाएगा, और अभी भी मुझे लगता नहीं कि 2027-28 तक ये हो पाए। तो ये पब्लिक का पैसा है, जो शुरुआत में 6,941 करोड़ का ये योजना थी, वो आज लगभग डबल हो जाने की स्थिति में है, और जब तक अंतिम होगा तब तक कितना होगा। तो ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को जो पैसा है उसको बर्बाद करने के पीछे कौन जिम्मेदार है, क्यों इसमें लेट ही हो रही। तो प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए जवाबदेह होते हैं और उनको ये तुरंत करना चाहिए। और भोपाल की जी जनता का एक ख्वाब, एक पीढ़ी 2014 से अभी एक दूसरी पीढ़ी शुरू हो गई, नई पीढ़ी शुरू हो जाती है, पुरानी पीढ़ी ने जो ख्वाब देखे थे नई पीढ़ी उसमें अगर क्रियान्वित करेगी तो एक अलग अच्छा होगा। धन्यवाद बिल्कुल जी। प्रेमपाल जी, जिस तरीके से सुयश जी कह रहे हैं कि पब्लिक बिल्कुल आखिर ये देरी आप क्या वजह इसकी मानते हैं? देखिए इतने साल इसको शुरू हुए हो चुके हैं, पैसा जो लागत है वो लगभग अब बढ़कर डबल हो गई है जितनी तय हुई थी वक्त के साथ, और अभी हालात देखकर ये लग नहीं रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 साल में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। प्लानिंग की कमी आ रही है, कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द आगे कंप्लीट किया जा सकता है ताकि जो लोगों का इंतजार है वो जल्द से जल्द खत्म हो और लोगों को ये जो सहूलियत है इसका फायदा मिले आने वाले वक्त में? मेरे दोनों दोस्तों ने बहुत अच्छी बात कही, मैं एक एक करके। राहुल जी ने कहा कोऑर्डिनेशन की कमी। देखिए, आप या एनडीटीवी या दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। रेल मंत्रालय ने अलग से गति शक्ति डायरेक्टरेट बनाई है जो इन सारे विभागों को कोऑर्डिनेट करेगी कि जो सड़क वाला है, टाउन प्लानिंग है, तो गति शक्ति बनने के बाद में ऐसी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। मुझे याद आ रही है श्रीधरन जी के साथ के अनुभव, दिल्ली जैसा शहर जिसके अंदर ऐसी हजारों समस्याएं थी कोऑर्डिनेशन की, पूरे गिरोह थे लैंड माफिया के, आखिर कैसे उन्होंने सुलझाया? अगर इंटीग्रिटी उसके सीईओ की है तो ये सुलझाई जा सकती है। और यहाँ पर सबसे जरूरी है राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट। मैं आपको याद दिला दूँ, TSR सुब्रमण्यम हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, उन्होंने अपनी जब किताब लिखी है अपने जो अनुभवों को, उसमें श्रीधरन के चुनाव का जिक्र भी किया है। कई IAS ऑफिसर, कई लोग जो सिर्फ पदों की तलाश में रहते हैं, कुर्सियों की तलाश में रहते हैं, वो सामने आना चाहते हैं। सुब्रमण्यम साहब लिखते हैं कि जब कोंकण रेलवे का अनुभव और दूसरे अनुभवों को देख के, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, राजनीतिक पार्टियां वोट लें, लेकिन ऐसे मामलों में उन्हें प्रतिभा को पहचानना होगा, इंटीग्रिटी को पहचानना होगा, जो इस कामों में ठेके देने वक्त ऐसा ना करें जैसा कि नीट एग्जाम में हुआ या दूसरे एग्जामों की तस्वीर हमारे सामने है। मेरा कहना है कि अगर महाकाल का पुनरुद्धार समय के अंदर हो सकता है, राम मंदिर का हो सकता है, जी तो जनता की जो सुविधाएं हैं उनको भी उसी रूप में करने की जरूरत है। उनका भी स्वागत है, लेकिन इसको हमें नहीं छोड़ सकते क्योंकि इससे पूरे देश का विकास, हमारी तस्वीर अभी आपने 3 दिन पहले देखा होगा, दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहर हमारे यहाँ, आखिर उसका कारण क्या है? सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हमारे यहाँ,
सभी लोगों को ये लगातार प्रेशर बनाए रखना होगा कि हम सिर्फ राजनीतिक अपने चेले और अपने पार्टी के लोगों को ही न रखें, जो भी प्रतिभा जहां है उनको उस रूप में सामने लाया जाए। बिल्कुल प्रियंका जी, सवाल यही कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा होना चाहिए क्योंकि लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। जो इसमें लागत हो रही है वो लगातार बढ़ रही है, पब्लिक का पैसा, उसके टैक्स का पैसा इसमें लग रहा है। धवनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। धवनी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। धवनी, टूरिज्म एक्सपर्ट आप हैं, मेरा सवाल आपसे ये है, हम खामियों की, कमियों की, देरी की बात कर रहे हैं लेकिन इसके ढेर सारे फायदे भी होंगे जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा जिसका इंतजार लोग कर रहे हैं। ऐसे में धार्मिक तौर पर अगर हम बात करें, टूरिज्म वो बढ़ेगा, फाइनेंशियल तौर पर प्रदेश को इसका फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा, वक्त की कमी, जो वक्त टाइम बर्बाद होता है इतना इंतजार में, वो सही होगा आने वाले वक्त में। तो ऐसे भी इसको आप किस तरीके से देखती हैं इस प्रोजेक्ट को जब ये जल्द से जल्द पूरा होगा? ज्योति, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि आई नो हमारी जो सिटी है वो प्लान नहीं है। जैसे कि इंडिया में चंडीगढ़ इकलौती ऐसी सिटी है जो कि प्लान्ड सिटी है, तो वहां के जो रहवासी हैं उन्होंने कभी भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करी। सो अगर हम एक तरह से अपने घर की बात करें, जैसे अगर शहर हमारा घर हुआ, वैसे अगर हम अपने खुद के रेसिडेंस की बात करें, अगर हम वहां पे भी कुछ रेनोवेशन करते हैं तो कुछ समय तक हमें समस्या होती है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो रेनोवेशन हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित होता है। इसी तरह से हमारा अभी शहर जो है वो रेनोवेशन मोड में है एंड अभी थोड़े बहुत जो एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है बट उसके बाद हमें एंड रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसी के साथ साथ आपके सवाल के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि गवर्नमेंट में यहाँ पर टूरिज्म को लेकर के काफी सारी चीजें हैं, काफी सारा स्कोप है। पहली बात तो इंदौर एक मेट्रो सिटी है जो कि मिनी मुंबई की तरह भी कहा जाता है और यहीं पर भोपाल एक हिल स्टेशन है जो कि एक टूरिज्म स्पॉट की तरह काफी ज्यादा प्रचार में है। यहाँ पर हमारे पास सांची स्तूपा है, भीम बेटका है, भोजपुर मंदिर है, ऐसे बहुत सारे यूनेस्को साइट्स के साथ साथ और भी काफी सुंदर चीजें, जगह हैं। आने वाले टाइम में इनका भी डेवलपमेंट होगा आगे की चीजों को मद्देनजर रखते हुए और काफी सारे फाइव स्टार होटल्स भी आ रहे हैं, काफी सारे बन चुके हैं और काफी आ भी रहे हैं। तो इससे एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही लेकिन साथ साथ टूरिज्म को भी बहुत बूस्ट मिलेगा क्योंकि इस मेट्रो के आने से लोग वीकेंड पे बहुत इजीली ट्रैवल कर पाएंगे या जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो भी बहुत इजीली इंदौर से भोपाल, भोपाल से इंदौर ट्रैवल कर पाएंगे। सो ये काफी अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। जी सुयश जी, धवनी ने तो बताया बिल्कुल इंतजार सभी लोग कर रहे हैं और कितना फायदा है इस प्रोजेक्ट के बनने से होगा। मेरा सवाल आपसे ये है, अब देरी तो इस प्रोजेक्ट में हो रही है, ढेर सारी वजह उसकी हैं, आपके हिसाब से किस तरीके से आगे थोड़ा सा और प्लानिंग करके इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सकता है और क्या आपको लगता है इसके साथ साथ जो अभी जिक्र हो रहा था थोड़े वक्त पहले कि केवल इसी को पूरा नहीं करना है, इसके साथ साथ और भी तमाम तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं इससे जुड़े हुए आसपास और जो यातायात के साधन हैं उनको बढ़ाना होगा यहाँ पर, क्या और उस तरीके उस लेवल पर भी तैयारी चल रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल ज्योति जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। निश्चित रूप से सब विभागों में या अलग अलग प्रतिनिधि जो राजनीतिक स्तर पर हैं या हम लोग अलग अलग एनजीओ स्तर पर भी हैं, हम लोग ये प्रयास करते हैं कि किसी न किसी तरह से इसमें स्पीडअप हो, तेजी से काम हो। मैं धवनी जी की एक बात के बारे में बताना चाहता हूँ कि भोपाल जो है लगभग 10वीं शताब्दी में सबसे पहला नियोजित शहर था और राजा भोज ने इसको डिजाइन किया था, सम्रांगण सूत्र में उसका उल्लेख है। भोपाल का अगर पुराना भोपाल आपने देखें तो स्वस्तिक डिजाइन पे बनाया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा बाद में जरूर नवाबों ने यहाँ को बहुत अच्छा प्लान किया पर अभिगत 25 वर्ष में इस भोपाल के प्रति थोड़ा सा अच्छा ध्यान नहीं दिया रहा है। विगत शुरुआत में भोपाल के यहाँ के एमएन भुज थे, प्रशासक थे और बाबूलाल गौड़ थे, इन लोगों ने भोपाल को बहुत अच्छा प्लान किया और भोपाल के लिए वो लोग सोचते थे। वर्तमान परिवेश में इस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति वाला कोई राजनीतिक व्यक्ति और कठोर निर्णय लेने वाला, जैसे कि प्रेमपाल शर्मा जी ने बताया कि दिल्ली में जब इतने बड़े माफियाओं को सही कर सकते हैं, भोपाल में आप सोचिए कि भोपाल में मेट्रो रूट में सबसे ज्यादा जो परेशानी आ रही है वो पुल पात्रा के पास की आरा मशीनों को शिफ्टिंग किया जी, जी, लगभग 20 साल से उन आरा मशीनों को शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं मगर आज तक उनके बारे में कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। तो निश्चित रूप से प्रशासनिक अक्षमता का निशानी है। तो चाहिए ये कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और आपस में कोऑर्डिनेशन हो प्रेमपाल शर्मा जी
और प्रोफेसर राहुल तिवारी, साथ ही शीर्ष कुलश्रेष्ठ धमनी जाधव, आपका हमसे बातचीत के लिए जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। तो जो भी एक्सपर्ट से सभी का ये मानना था कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, प्लानिंग की कमी है, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही है और उस प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करके इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। फिलहाल हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।